रोहतास जिले में स्वर्ण कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और पब्लिक में भी भिड़ंत देखने को मिली। कई घंटों तक पूरा इलाका रणक्षेत्र बना रहा। दरअसल गुरुवार की शाम को आलमपुर बाजार से अपनी दुकान बंद कर लौट रहे सिकुही निवासी सूरज सोनी को थाने से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 7 गोली मार दी, जिससे सूरज सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद नाराज लोग शव के साथ बड्डी थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर प्रदर्शन करना शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो बवाल गया। प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रदर्शनकारी उग्र होने लगे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। वहीं पुलिस के लाठीचार्ज में कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। वही बवाल की सूचना मिलते ही सासाराम के एसडीपीओ और सदर एसडीओ भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। वही मामले पर रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि हत्याकांड मामले की जांच कर रहे हैं, जल्द ही कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा।